भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। मैं नाइट टूर्नामेंट हो रही है जिसमें बहुत ही बड़ी बड़ी टीमें आई हैं। अमृतसर से आई है, यमुनानगर से आई है, मैं बरवाल के बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि हमारे जो युवा है देखो कितनी रौनक लगी हुई है, कितने युवा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना अच्छा लग रहा है हमें। अरेंजमेंट किस तरह का लगा आपको? मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट। मैं सब क्या बोलते हैं इसको, इस कमेटी को मैं बहुत बहुत थैंकफुल और शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये कराई है और इतना अच्छा अरेंजमेंट रखा है, लाइटिंग का, हर चीज का, डीजे लगा हुआ है, रौनक लगी हुई है, अच्छी टीमें आई है, मजा आ रहा है देखने का। एंट्री फीस का क्या लगता है आपको? एंट्री फीस ली नहीं है, बहुत अच्छा काम किया की बढ़ चढ़ कर टीमें आई, एंट्री फीस का कोई लोन नहीं है, ये सब कुछ कमेटी कर रही है, कमेटी दे रही है और इसमें बरवाल स्टेट क्लब के जो रणजीत सिंह पुरानी है वो दे रहे हैं 21,000 रुपये बिल सुनने में है और बाकी बरवाल के लोगों ने बड़ा साथ दिया। गांव बरवाल की ये लोकेशन को देखकर क्या लगता है, किस तरह की लोकेशन है? बहुत अच्छी लोकेशन है, देखो सामने पार्क है, ये सब घूमने के लिए हर चीज अच्छी है यहाँ पे। और युवाओं में हाल ही में हमने क्रिकेट की टूर्नामेंट भी खेली थी, बहुत अच्छी हुई थी, कोटा लेवल, जिसका उद्घाटन हमारे SSP कठुआ शिवदीप किया था। हम काफी खुश हैं, वो भी हमारे स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट लेते हैं और वो युवाओं के साथ अच्छा तालमेल रखते हैं। गांव बरवाल के युवाओं का कैसा कोऑपरेशन रहा? पहले मैंने बड़ा कुछ सुना था युवाओं के बारे में, आपने भी सुना था कि जो कुछ नशे की लत में पड़ गए, पता नहीं, और हमें सुनने में जो आ रही है वो बहुत अच्छा आ रहा है कि हमारे जो गांव के युवा है बरवाल के बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। मैं काफी खुश हूँ बरवाल के इन नौजवानों से, क्या लगता है आपको कि इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए? इस तरह के इवेंट होने चाहिए, पक्का होने चाहिए। हमारे हाल ही में हमारे DIG जो शक्ति पाटिल साहब है उन्होंने हाल ही में सिविल सर्विस प्रोग्राम के तहत बसोली में एक टूर्नामेंट करवाई थी जिसमें काफी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। मैं बोलता हूँ कि युवा आगे आने चाहिए, युवा हमारे देश को नाम रोशन करने वाले युवा ही हैं। जो युवा है चिट्टे की तरफ या नशे की तरफ बढ़ रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? मैं जम्मू कश्मीर का एक मुलाजिम भी हूँ, मैं उनको बोलता हूँ भाइयों नशे से बाहर आ जाओ, हाथ जोड़े आपको, देखो कितना मजा आ रहा है, देखो खेलो, माँ बाप का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो, ये हमारा देश है, बहुत अच्छा देश है, इसका नाम